सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग इससे पहले एपिसोड में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के थ्रू बनाना सीख चुके हैं, एडजेक्टिव और कंजंक्शन से एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं, और पार्टिसिपल के थ्रू भी एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग इन्फिनिटिव के माध्यम से दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम पहले एक प्रीपोजिशन लगा दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लगा दें, और फिर उस वर्ब की फॉर्म को हम लिखें फर्स्ट फॉर्म को, तो जो वर्ड बनेगा उसे इन्फिनिटिव कहेंगे। इन्फिनिटिव हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम किसी वर्ब के पहले कोई भी प्रीपोजिशन में जिसमें टू लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है के लिए, यानी हमारा एक उद्देश्य बन जाता है कि कोई काम हमें ऐसा करना है। जैसे मान लीजिए लिखा है राइट, WRITE, राइट का मतलब होता है लिखना, और इसके पहले अगर हम TO2 लगा दें तो टू राइट का मतलब हो जाएगा लिखने के लिए। तो यही चीज इन्फिनिटिव होती है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू जोड़ कर ही इसे बनाया जाता है। तो अब सेंटेंस इससे कैसे जोड़ेंगे उसको भी देखते हैं। सेंटेंस जब भी हमें इसमें दिया रहेगा तो हमें कुछ इस तरह से सेंटेंस दिया रहेगा कि सेंटेंस पढ़ने में हमें ऐसा लगेगा कि पहला सेंटेंस जो भी हमें दिया हुआ है और सेकंड वाला जो सेंटेंस दिया है, तो पहले सेंटेंस में कुछ ऐसा काम बताया जाएगा जो दूसरे वाले सेंटेंस में उसका पर्पस दिखाई देगा। यानी हम जो सेंटेंस फर्स्ट में काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य दूसरे में है कि हम क्यों कर रहे हैं। जैसे सेंटेंस कह रहा है कि शी हैज गॉन टू वाराणसी, वह वाराणसी गई, लेकिन क्यों गई? अब उसका उद्देश्य इसमें अगले सेंटेंस में दिया जा रहा है कि शी वॉन्ट्स टू सी काशी विश्वनाथ टेम्पल, क्योंकि वह काशी विश्वनाथ मंदिर को देखना चाहती है। तो ऐसा लगना चाहिए हमें सेंटेंस को देखते समय यहाँ पर कि पहले सेंटेंस में कोई वजह है काम करने की, और उसकी वजह क्या है वो अगले सेंटेंस में दिखाई दे रही है, उसका उद्देश्य हमें अगले सेंटेंस में नजर आ रहा है, तभी हम इन्फिनेटिव से इसे जोड़ेंगे। तो जब दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे तो कुछ अर्थ भी ऐसा निकल के आएगा कि वह वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर को देखने के लिए गई है। यानी देखने के लिए, ये शब्द जो आपको सुनाई दे रहा है देखने के लिए, इसी चीज को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए सेंटेंस जो हमारे सामने मौजूद होगा उसमें हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि पहला सेंटेंस कौन सा है। पहला वही सेंटेंस होगा जिसमें काम पहले हो रहा है, जैसे शी हैज गॉन टू वाराणसी, वह वाराणसी गई। अब क्यों गई, तो जो कारण उसको जाने का है वहां पे जो वजह है उसी में हम उसके इन्फिनिटिव वर्ब की इन्फिनिटिव बना के लिख देंगे। जैसे शी हैज गॉन टू वाराणसी, वह वाराणसी तो गई, अब आगे इसे हम जोड़ के लिख देंगे टू सी द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ मंदिर को देखने के लिए। तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंस जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे ही जोड़ के देखते हैं कैसे जुड़ेगा, कि सेंटेंस हमें दिया है यू हैव नो मनी, यू कैन नॉट बाय गुड क्लॉथ्स, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकते। तो इसी सेंटेंस को जब हमें जोड़ना है तो हम इसे लिखेंगे कि यू हैव नो मनी, तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, टू बाय, अब यहाँ पे देखिए बाय लिखा है गुड क्लॉथ्स, खरीदने के लिए, तो हम इसी के पहले टी और टू जोड़ देंगे तो टू बाय गुड क्लॉथ्स, अच्छे कपड़े खरीदने के लिए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो इस तरीके से हम इन्फिनिटिव से दो सेंटेंसेस को जोड़ देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं, लिखा है कि आई वेंट टू द एयरपोर्ट, माई ऑब्जेक्ट वॉज टू सी ऑफ माई सिस्टर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कुछ इस तरह लिखा है कि आई वेंट टू द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट गया, माई ऑब्जेक्ट वॉज टू सी ऑफ माई सिस्टर, और मेरा उद्देश्य था अपनी बहन को वहां पर ड्रॉप करना या वहां उसे छोड़ने जाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस कह रहा है कि मैं एयरपोर्ट क्यों गया, उसका कारण जानकारी दे रहा है कि मैं एयरपोर्ट गया, लेकिन उसका उद्देश्य अगले में दिया हुआ कि क्यों गया था, टू सी ऑफ माई सिस्टर, अपनी बहन को वहां पर छोड़ने के लिए। तो इसी तरह से सेंटेंस को हम जोड़ देंगे कि आई वेंट टू द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट गया, टू सी ऑफ माई सिस्टर, अपनी बहन को वहां छोड़ने के लिए। तो इस तरह से दोनों सेंटेंस जुड़कर एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरह देखते हैं, माई ग्रैंड फादर इज वेरी वीक, मेरे दादाजी जो है बहुत कमजोर हैं, ही कैन नॉट वॉक। अब यहाँ पर एक आप नई चीज समझिए, जब भी आपको सेंटेंस में पहला सेंटेंस जो भी दिया उसमें आपको वेरी वर्ड मिले, वेरी, तो आपने एक लास्ट एपिसोड में पढ़ा हुआ है रिमूव टू ऐड टू टॉपिक, तो आप उस प्रोसेस को याद करेंगे और उसी तरीके से यहाँ पर इस सेंटेंस को दोनों को जोड़ेंगे। जब भी आपको यहाँ पर वेरी मिलता है तब आपको ऐसा करना है, जब वेरी मिलेगा तो इस तरह से जुड़ेगा कि माई ग्रैंडफादर, और वेरी जहाँ लिखा हुआ उसकी जगह पर आप TOO लिख देंगे, माई ग्रैंड फादर इज टू वीक। अब उसके बाद में बाद वाले सेंटेंस में जो बात लिखी गई है
उसे इन्फिनिटिव बनाकर हम इसी के साथ जोड़कर लिख देंगे। जैसे चलने के लिए कमजोर है तो टू वॉक, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा माई ग्रैंड फादर इज टू वीक टू वॉक, मेरे दादाजी जो हैं बहुत कमजोर हैं चलने के लिए, यानी चलने की स्थिति उनकी नहीं है। तो यहाँ पर जो हम टी डबल ओ टू यूज कर रहे हैं इसका मतलब होता है बहुत कम, यानी थोड़ा स्तर पर होना, यानी ये नेगेटिव एक वर्ड है और इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो टी डबल ओ टू आपको यूज करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो हम इस प्रोसेस से भी इस सेंटेंस को जोड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको एडजस्ट टू वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, किताब बहुत कठिन थी इसलिए वह कुछ वहाँ पढ़ ना सकी, समझ ना सकी। तो यहाँ सेंटेंस में देखिए क्या क्या कहा जा रहा है कि पहले सेंटेंस में कह रहे हैं किताब कठिन थी, तो दूसरे में उद्देश्य दिया गया है उसके समझने के लिए, यानी उसके समझने के लिए किताब कुछ ज़्यादा ही कठिन थी। तो सेंटेंस को हम इस तरह से जोड़ देंगे, वेरी वर्ड लगा हुआ है तो वेरी वर्ड जोड़ने की वजह से हम इसे एडजस्ट टू का फॉर्मूला लगाएंगे, वेरी की जगह पे हम टी डबल ओ टू यूज़ करेंगे। देखिए बाकी का सेंटेंस वैसे ही है, शुरू से लेकर आगे तक सेंटेंस वैसे ही है, और बाद में उसमें देखिए दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग दिया है। तो यहाँ पर जरा ये बात ध्यान देनी है कि अगर दोनों के सब्जेक्ट अलग होंगे तो यहाँ पर जिसके लिए वो चीज़ है उसको फॉर लिख के उसका नाम लिख देंगे। अब यहाँ पे शी है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, अगर कोई नाम होता तो हम उसे वहाँ पर उसका नाम लिखते। जैसे यहाँ पे होता कि अमित कुड नॉट अंडरस्टैंड तो हम यहाँ लिखते फॉर अमित। अब यहाँ पे शी लिखा है तो हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर हर। अब यहाँ पे अगर यू लिखा होता तो फॉर यू होता। इसी जगह पे अगर ही दिया होता तो हम यहाँ लिखते फॉर हिम। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जिसके लिए वो काम कठिन है, जिस चीज़ के लिए बताया जा रहा है वहाँ पर फॉर लगा के हम आगे जोड़ देंगे। ऐसा भी आपको ये चीज़ समझनी होगी और ऐसा करना होगा कभी कभी। बाकी का वर्ड जो है वो इन्फिनिटिव जोड़ देंगे टी ओ टू लगा कर, अंडरस्टैंड उसके पहले हम अंडरस्टैंड के पहले टू लगा देंगे और इस तरह से इन्फिनिटिव बन जाएगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस जुड़कर एक सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। आई होप कि आज का ये एपिसोड आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। इसमें जो भी मैंने टॉपिक बताया है, जो रूल्स बताए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। एक ऐसे ही नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।